हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 से ऊपर हो गया है, और अभी मैं जैसा बालकोनी में आई थी, बाल बनाने आई थी, बाल बनाऊंगी अभी, क्योंकि आज ना हेयर वॉश किए हैं, सूखे नहीं थे तो अब सूख गए हैं, तो मैंने कहा पहले हेयर बना लेती हूँ, बाल बना लेती हूँ, फिर ना उलझ गए हैं, थोड़े उलझ जाते हैं ना, और जो थोड़े हैं कपड़े वगैरह पलटाऊंगी, क्योंकि ना 2 दिन से बारिश हो रही थी लगातार, आज जो है धूप आई है, ठीक ठाक अच्छी खासी धूप आई है, तो कुछ तो कपड़े जो है, क्योंकि 2 दिन के भी थोड़े कपड़े थे, थोड़े तो कुछ सूख जाते हैं, फिर ना जो है ना जब तक धूप ना लगाओ तो मतलब अच्छा नहीं लगता, मन नहीं मानता, तो थोड़े कपड़े वगैरह पलटाऊंगी, क्योंकि सुबह भी धोए थे मम्मी ने आज कपड़े इसलिए। और आज है 9th ऑफ अगस्त, है मंडे है आज, तो आज है मेरा जो है मेरा जन्मदिन और नीवी का जन्मदिन, जो मेरा भैया भाभी है उनका बेटा है, आप वीडियो में देख ही चुके होंगे व्लॉग में, तो आज उसका भी जन्मदिन है और मेरा भी जन्मदिन है और वो भी है। और ऐसा तो मुझे तो कुछ नहीं है अपने जन्मदिन की ऐसी कोई एक्साइटमेंट वगैरह, तो ऐसी कुछ नहीं है, अब कहाँ होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं की उनको ही होती है। तो अब शाम को होगा जो होगा, केक कटिंग वगैरह होगी थोड़ी बहुत, और अभी मैं थोड़ी देर में वो बनाऊंगी जो है नारियल के लड्डू और पेड़े जो भी कह लीजिए वो बनाऊंगी। और तो चलिए मैं पहले ना फटाफट बाल वगैरह बना लेती हूँ और कपड़े वगैरह जो है सब पलट देती हूँ, और टीचर जो है अभी सो रही है। तो बाल वगैरह बना लिए हैं और कपड़े कपड़े भी ना पलटा दिए हैं, ये अभी दो ही अच्छे तरीके से सूखे हैं और हो सूख गए हैं, मतलब मैंने कहा थोड़ा सा हल्की फुल्की और धूप लग जाए, और अभी मैं बनाऊंगी, थोड़ी देर में बनाऊंगी, क्योंकि ना मम्मी अभी बर्तन वगैरह साफ करे किचन में, फिर उसके बाद मम्मी जो है खाना बनाएगी। तो मैं यहाँ पर ना अभी बैठी हुई थी जस्ट, और ये देखिए यहाँ पर आ गई है बिल्ली, आ गई है ये बिल्ली, यहाँ पर डेली आती है, ये ले, जब से ये छोटी है ना बिल्ली तब से ये यहीं पर आती है, दूध वगैरह जैसे पीती है, दूध पानी यहीं पर आकर पीती है। देखिए अब इसके ना एकदम पास भी बैठ जाते हैं ना, ये डरती नहीं है बिल्कुल भी, ये देखिए इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है बिल्ली को। हो गया ना डेली की हैबिट पड़ गई है इसको, इसलिए। दूध खत्म हो गया, देख रही है इधर, आ बिल्ली, आ बिल्ली, आ बिल्ली, बिल्ली बिल्ली इधर, ये इसने खत्म कर दिया दूध, अब वहां पर बैठ गई है, आ बिल्ली आजा। और अब यहाँ पे देखिए कृषा भी उठ गई है, देख अब ये जाएगी बिल्ली के पास जाएगी, अब ये अब बिल्ली भाग जाएगी। बैठ जाओ इधर बैठ जाओ, अब ये देखो जाएगी, ये बैठ गई उसके पास और भाग गई, वो ये बैठ गई ना कृषा, वो उधर चले गई, कृषा ने अपना मुंह बना लिया। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ मिठाई, और यहाँ पे जो है मैंने सब ना प्रिपरेशन कर दी है, मीन्स जो है ये नारियल का बूरा वगैरह और ये बादाम वगैरह यहाँ पर जो है सब काट दिए हैं, और टाइम भी हो गया है, 5 बजने वाले हैं, तो चलिए मैं ना जो है फटाफट बना लेती हूँ।
तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ नारियल के पेड़े और लड्डू। और जो मैंने इसमें रेसिपी है, मैंने इसमें दिखाई नहीं ज़्यादा रेसिपी, जो है मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगी, उसमें शेयर करूँगी, क्योंकि मैं फिर बनाती वीडियो रेसिपी की तो जो है वीडियो जो है और लंबी हो जाती, तो इसलिए मैं जो है नेक्स्ट वीडियो मैंने कैसे किस तरीके से बनाए फिर कहती उसमें आ गई आपसे यहाँ शेयर पे, करूँगी। बिस्कुट खा रही है अब। तो यहाँ पे नारियल के लड्डू और पेड़े बन के हो गए हैं रेडी। और ये यहाँ पर नीवी भी आ गया है, बर्थडे बॉय नीवी नीवी। यहाँ पे कैटी को देख रहा है ये रहा हम दोनों का सेम डे बर्थडे आता है, पता है तुझे कुछ? पता है कुछ? इसको कैटी देखनी है, बम हो गए वहां पे, वो फुला रहे ना बैलून वगैरह फुला रहे हैं बाहर, तो ये इसलिए वहां भाग गया बाहर। और जो है यहाँ पर पेड़े और लड्डू यहाँ पर दोनों बन के हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ये पेड़े बना दिए हैं और साथ में साइड ऐसी बीच में ना लड्डू से रख दिए। और इसकी जो रेसिपी है मैं अलग से डालूंगी, इसमें डालूंगी तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। और दो जो है मंदिर के लिए चढ़ा देती हूँ, एक तो मैंने निकाल के रख दिया ये रहा, और दूसरा यहाँ से एक और मैं मंदिर में यहाँ पे चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ, अब मंदिर में चढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो भी कुछ बनता है पहले मंदिर में चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर जो है थोड़ी सी जो डेकोरेशन वगैरह की है वो दिखा रही हूँ, बस ये लगा रखा है और हैप्पी बर्थडे का लगा दिया था, और ये जो बैलून वगैरह है बस इतना ही करा था। और जो है बैलून वगैरह जो है जो पंप वगैरह होता है बैलून पंप जिसे फुलाते हैं वो उससे फुला रहे थे, और ये साथ साथ जो है बच्चे ये भी बैलून से बैलून फुला रहे हैं तो खेल रहे थे। फिर उसके बाद जो है डायरेक्ट यहाँ केक कट करने आ गए थे। उसके बाद मैंने बीच में कुछ व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं शूट करने वाला बनाने वाला, तो टाइम हो गया था 7:45 के करीब हो गए थे रात के। तो यहाँ पर केक कट करने आ गए थे, पहले तो सोचा था कि दोनों का साथ काटेंगे, बट चलो हैप्पी बर्थडे। केक जो है साथ में काटना था, जैसे नीवी और मुझे दो केक आए थे तो दोनों को एक साथ रख के काटना था, बट जो है बच्चे जो है ना परेशान करने लग गए थे, तो इसलिए जो है हमने केक जो है अलग अलग जो काटा, पहले नीवी ने काट लिया था फिर जो है बाद में मैंने काटा था। मेरा मूड तो ये था कि साथ साथ काटेंगे, बट वो ये ना बच्चे बड़े ज़्यादा परेशान करने लग गए, तो पहले काटा नीवी ने काटा। और अब ये यहाँ पर मैं काट रही हूँ केक, मैं कट कर रही हूँ, जैसे मैंने बताया काटना साथ था, बट बच्चे जो है परेशान बहुत ही ज़्यादा करने लग गए, फिर हमने कहा अलग अलग काटेंगे। और जो है मौसा और बच्चे वगैरह, मौसी के बच्चे वगैरह वो भी सब ना लेट में आए थे, तो उन्हीं का हम वेट कर रहे थे तो लेट हो गई थी, तो मैंने कहा हमने कहा कि पहले नीवी को काट लेते हैं केक उसका, फिर मैं जो है मैं बाद में काटूंगी, तो यही बोला। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये देखिए सब आ गए थे, तो उसके बाद जो है मैंने जो है अपना केक वगैरह कट किया। फिर मेरा जो है थोड़ा सा ना मूड वगैरह भी ख़राब हो गया था, एक तो केक कट के और कुछ रीज़न थे, तो इस वजह से जो है मेरा थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया था। ये वाह इधर लगाओ पहले।
तू क्या मंदिर में चला कोई नहीं ठीक है। तो यहाँ पर जो है केक वगैरह कट कर लिया मैंने और अब जो है मैं सबको जो है केक वगैरह खिला रही हूँ। तो ऐसी था सिंपल सा नॉर्मल सा बर्थडे था और फिर घर में ही जो है ऐसे स्नैक्स वगैरह मंगा लिए थे, जैसे ये सब होते हैं पटैटो चिप्स जो भी होते हैं, मतलब ऐसे स्नैक्स वगैरह जो होते हैं, मोमोज वगैरह होते हैं, चिली पटैटो वगैरह होते हैं, और रोटी जो है घर में बना ली थी और सब्जी जो है बाहर से मंगा ली थी। यही सब था सिंपल सा जो जो जैसा था मैंने आपको के साथ मैंने कहा छोटा सा जो है भी बर्थडे जो भी है शेयर कर देती हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरा तो मूड जो है ख़राब हो गया था और कुछ रीज़न थे उस बहुत, मतलब क्या बताऊँ आप समझ ही सकते हैं, और भी बहुत रीज़न थे। बस यहीं पे करती हूँ मैं व्लॉग का एंड और आई होप आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, और मैंने जो है कुछ आगे जो है थोड़ी सी वीडियो जो है शेयर की है तो उनको ज़रूर देखिएगा भी, और जो फ़ोटो वगैरह हैं वो भी एकदम थोड़ी सी देखिए क्लिक कराई है थोड़ी वीडियो फ़ोटो भी थोड़ी सी जो वो है क्लिक नहीं हुई, इतनी सी जो है फ़ोटो क्लिक हुई है थोड़ी बहुत, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।